लोग जानते हैं कि नया साल है और नए साल पे मेरा बर्थडे होता है और मैं अपने बर्थडे की शुरुआत ना अच्छे तरीके से करना चाहता हूँ और सनलाइट से शुरू करना चाहता हूँ, बिकॉज बोलते हैं कि सनलाइट जब शुरू होती है तो आपके लिए एक नया दिन शुरू होता है, तो मैं अपने दिन की शुरुआत उसी से शुरू करूँगा। बहुत नहीं चाहिए, जैसे इतनी है ना ये समंदर की, देख रहे हो आप, बस मेरा करियर इतना ब्राइट हो जाए, दैट्स इट। कुछ ऐसा कोई प्लान नहीं किया मैंने, बिकॉज मैं अपने कजन्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ और अपनी फैमिली के साथ ही मनाता हूँ, और इस साल भी मैं पंजाब जाऊँगा और फिर उसके बाद हम देखें क्या करना है क्या नहीं। यही है आज का जो मैं कभी नहीं भूलूंगा, सीरियसली, बिकॉज इतने सालों में एबी जितने भी न्यूज़ चैनल हैं उन्होंने कभी मेरा बर्थडे नहीं मनाया, आज आपने सबसे पहले मेरा बर्थडे मनाया, थैंक यू सो मच यार। बस मैं अपने मॉम डैड को हज करवा दूँ, दैट्स इट, यही मेरी विश है, बिकॉज मैं पिछले 2-3 साल से ये ट्राई कर रहा हूँ कि मैं उनको हज करवाऊँ, लेकिन इंशाल्लाह इस साल मैं करवा दूँगा, टाइम पर सेट पर पहुँच जाया करूँ। जो हर बार यही बोलते हैं मुझे कि भाई टाइम पर आ जा, वो थोड़ा बहुत झूठ बोल देता हूँ, उनको ठीक कर दूँ, बस और कुछ नहीं। मेरा भी कोई है, मतलब मेरी भी कोई है, गर्लफ्रेंड है, पिछले 3 साल से हमारा रिलेशन चल रहा है अच्छा खासा, माशाल्लाह भी है, अगर अच्छा चलता रहा तो इंशाल्लाह आगे जाके शादी भी करेंगे। और फैंस को बताएं, बिकॉज कितनी बार हम लोग पार्टीज़ में या फिर किसी के फंक्शन में जाते हैं तो पता ही है सबको, ये रिश्ता मेरा इनके साथ ऐसे ही बना रहे एबीपी न्यूज़ के साथ, बिकॉज कितने सालों से हम लोग जुड़े हुए एक दूसरे के साथ और बस ऐसे ही जुड़े रहें और अल्लाह करे कि आगे जाके भी ऐसे ही जुड़े रहें। थैंक यू सो मच, थैंक यू माई फैंस, हैप्पी न्यू ईयर।